वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसी शायर ने ये बहुत ही खूब कहा है, किसी को चांद चमकता हुआ नजर आता है तो किसी को उसमें दाग नजर आते हैं। और ये बात यूपी विधानसभा चुनाव में नजर भी आ रही है। इस बार के चुनाव में ओवैसी एक ऐसा नाम है जिसने सभी राजनीतिक पंडितों की गणित बिगाड़ दी है। कोई उस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताता है तो कोई कहता है कि ये वोट कठुआ पार्टी है। जाहिर है कि इस बात से चुनाव में ओवैसी भी अपना पतंग लहराने के लिए सियासी आसमान की तरफ देख रहे हैं। जिधर की हवा बहती है उस पर वो अपनी पतंग उसी तरफ घुमा देते हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा को तो वैसे ही उन्होंने अपने निशाने पर बना रखा है। इस बीच एक बार फिर से बीजेपी को भी उन्होंने लपेटना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। ओवैसी के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब भी दे डाला है। दरअसल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। बहराइच में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, अगर योगी जी आप भेदभाव नहीं करते तो आपने अब्बा जान शब्द अपने मुंह से क्यों निकाला? प्रधानमंत्री आवास योजना में किस मुसलमानों को घर दिया? 10 नाम भी बता। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान पढ़ नहीं पा रहे, क्या इसके जिम्मेदार भी ओवैसी हैं? ओवैसी ने जहां सवालों की झड़ी लगा दी तो वहीं इसका जवाब भी सूबे के मुख्यमंत्री ने अपने जवाब के तौर पर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। पीएम आवास योजना का फायदा किसी का चेहरा देखकर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया है। और आपको बता दें कि पहले बेटियों के साथ भेदभाव होता था और हमारी सरकार आने के बाद भेदभाव को खत्म किया गया है। बेटियों की शादी के लिए भी हमारी सरकार योजना बनाई है। 751 करोड़ रुपए किसानों को देने का काम किया है। लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। बता दें कि उन्नाव में कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार सावन के मौके पर कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी पिछली सरकार ने रोक लगा दी थी। पिछली सरकार ने कहा था कि डीजे बजेगा तो कावड़ यात्रा में दंगा हो जाएगा। हमने कावड़ यात्रा में डीजे की रोक को हटाया, कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ पर दंगा करवाने वाले की 7 पीढ़ियां इसकी भरपाई करते करते थक जाएंगी। एक तरफ ओवैसी तमाम सियासी दलों पर हमलावर हैं तो वहीं दूसरी तरफ योगी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि अब वो योगी पर भरोसा करेंगे या फिर ओवैसी की बातों पर। इस खबर पर अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।